नमस्कार, मध्य प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बैर के कटंगी से है, जहां पर आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से सड़क का निर्माण चालू है, लेकिन आज तक सड़क पूरी नहीं बन पाई है। कछुआगति से सड़क का निर्माण कार्य चालू है। वहीं मामले को लेकर परेशान लोगों का कहना है कि साल में 1 या 2 दिन में सड़क का निर्माण कार्य चालू रहता है, बाकी दिन सड़क निर्माण कार्य बंद रहता है। जी, मेरा नाम दुलीचंद दीवान है। मैं इसी गांव का निवासी हूं, ग्राम कटंगी, तहसील भैया, जिला बालाघाट, स्थानीय निवासी हूं। क्या समस्या? यहां पर जो समस्या है, जो सड़क की समस्या है, जो ठेकेदार यहां निर्माण काम कर रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से निर्माण काम चालू है। इसी वर्ष अभी लगभग जो 2-3 महीना पहले ही इस रोड में गिट्टी डाला गया है, और उसके पहले तो पूरा कीचड़ से आना जाना किए हैं हम लोगों ने। लगभग चार पाँच सालों से कीचड़ ही कीचड़ आना जाना शुरू किया। अभी ये 2-3 महीना पहले बार गिट्टी डाली हुई है, लेकिन फिर भी इस गिट्टी में आने जाने में बहुत तकलीफ है। कई लोग गाड़ी मोटर से गिर जाते हैं, या फिर पैदल चलने वाले राहगीर ठोकर लग जाती है उनको, और ऐसे गिर जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। फ्रैक्चर भी हो गया ना एक आदमी का अपने गाँव, बहुत सारे लोग जो है एडमिट भी होना पड़ा है हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोग। गाड़ी तो इतने पंचर हो गए जिसकी हद की बात, पूरे बोल्डर निकल गए हैं, बहुत परेशानी। अभी तो ये बरसात की शुरुआत है, जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी वैसे वैसे गिट्टी धुलेगी, उस समय और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जल्दी से इस सड़क निर्माण का काम पूर्ण किया जाए, और जो भी ठेकेदार महोदय हैं उनसे इस कार्य को पूर्ण करवाया जाए। बहुत परेशानी से हम पिछले 5 सालों से हम बात कर रहे हैं कटंगी से आमगांव जाने वाले मार्ग की। ये जो मार्ग है, लगभग 5 वर्षों से इस निर्माण कार्य का काम चालू था, लेकिन ठेकेदार इसको आधे अधूरे में छोड़कर गायब हो चुका है। सड़क पर गिट्टी बिछा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, सड़क पर ये गिट्टी बिछा के 5 वर्ष से ये निर्माण कार्य का काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोज राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ये कछुआ गति से निर्माण कार्य चालू है, 2 दिन के लिए काम चालू होता है और साल भर के लिए यहाँ का निर्माण कार्य बंद रहता है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले यहाँ पर इस सड़क का निर्माण कार्य चालू हुआ था, और आज तक ये निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। रोज यहाँ पर राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य को चालू करवाया जाए, और ऐसे लापरवाह ठेकेदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जावे। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। तो मामला बहर का है, जहां पर आम गांव जाने वाला रास्ता, जहां पर सड़क निर्माण किया जा रहा था, और तस्वीरें आपको तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। स्थिति इतनी भयावह है कि वहां पर गिट्टियां बिछाई गई हैं रास्ते में, जिससे आम जनता को इस सड़क का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि साल में कभी 1 या 2 बार सड़क का निर्माण चालू होता है और उसके बाद बंद हो जाता है। इस वजह से 5 साल से अब तक का समय निकल चुका है, ये काफी लंबा समय है और अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। तो खबर बमनौर से है, जहां पर धारा 307 आईपीसी के फरार आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक के पास से अवैध 12 बोर देसी कट्टा और 12 बोर का चुंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को मल्हार न्यायालय में पेश कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि खबर भिंड से है, जहां पर बड़ी सौगात देते हुए आईटीबीपी के शहीद जितेंद्र सिंह, जो कि ग्राम बचपन पर रहते थे, उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही साथ इस अवसर पर सपोर्ट वाहिनी आईटीबीपी में पदस्थ अरुण प्रताप सिंह की टीम ने शहीद के नवनिर्मित शहीद स्मारक स्थल पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में शहीद की पत्नी और कई परिजन मौजूद रहे, साथ ही साथ गांव के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
सभी शहीदों की मेमोरियल बनाने का, उनके जन्म स्थान पर मेमोरियल बनाने का आदेश पारित किया। जिन आदेशों को मानते हुए हम आज ग्राम मथन में आए और आज 30 तारीख शहीद जीतन सिंह का जन्मदिन भी है, इसी मौके पर उनकी मेमोरियल का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के दौरान यहाँ के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति जैसे कि यहाँ के राजा जी और यहाँ का सरपंच, प्रधान और भी बहुत से वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी का बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग रहा, हर प्रकार की उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मदद की, जिसका मैं सभी ग्रामवासी एवं गणमान्य व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे पारिवारिक सदस्य भी हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यह खबर जुड़ी हुई है भीम आर्मी से, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा दी जाने की मांग भी की गई है। गौरतलब है कि 28 जून को अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर सुनिश्चित तरीके से जानलेवा हमला किया गया था, जो कि बेहद गंभीर और दुखदायी है। कलेक्टर ऑफिस में इसलिए जमा हुए कि आपको विगत होगा कि दिनांक 28/6/2023 को आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी, ये अपने कपिले के साथ दिल्ली से सहारनपुर जिले से होते हुए एक देवबंद कस्बे से गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ हमलावरों ने नियोजित तरीके से फान करके उनके ऊपर फायरिंग कर 4 गोलियां दागी थी, जिसमें से एक गोली चंद्रशेखर भाई जी के कमर में लग के छू के निकली है। अगली खबर धार के नौगांव थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने 45 वर्षीय बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मौके पर बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस धार के झबुआ की ओर से जा रही थी, तभी नौगांव क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया और यात्री बस का पिछला पहिया युवक के सिर से गुजर गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनवाने और अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई है। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक बस जिसका नंबर MP09FA9295 है, वो बंदी छोड़ के सामने जो झंडा चौक से रतलाम नाके की ओर जा रही थी, और सामने से आते हुए जो बाइक सवार था जिसका नाम लक्ष्मण पिता दुलीचंद, उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनकी टक्कर हुई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस और एम्बुलेंस समय पर पहुंच के उसके जो है बॉडी को रवाना किया है और ट्रैफिक को जो है सुगम बनाया है। इसको लेके हम और देखते हैं, अगर और हमें ब्रेकर्स अगर लगाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पे और ब्रेकर्स यहाँ पे लगाने के लिए हम जो प्रस्ताव रखेंगे। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आदित्य सिंह पवैया की नियुक्ति की गई। पवैया को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर आदित्य ने कहा कि उनकी
कोशिश रहेगी कि उनके नेतृत्व में समाज के हित के लिए कुछ नया किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर करणी सेना के प्रदेश पदाधिकारियों की तरफ से मिलने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप वे जनहितैषी कार्य करेंगे। भारत के सबसे मजबूत राजपूत समाज के करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल तहे दिल से सबका, वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं आगे चल के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार मामले की जांच की गई। बता दें कि पीड़ित पार्सल लूट कर शाहपुर मोड़ के पास लेकर पहुंचे थे और उसी वक्त बाइक में सवार होकर आए दो बदमाशों ने पार्सल छीन लिया और इसके बाद फरार हो गए। शिकायतकर्ता के आधार पर हनुमाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बा हनुमाना में संचालित राधा रानी मोबाइल्स के ओनर पवन केसरी द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके पार्सल जो रीवा से आता था, जिसे शाहपुर मोड़ पे लोडिंग से उतारकर एक ठेले पे लाया जा रहा था, उसी दौरान दो बाइक सवार बाइक से आकर एक पार्सल को उठाकर फरार हो गए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 8 मोबाइल एवं 3 महंगे चार्जर उस पार्सल में थे। इस संबंध में लगातार संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की गई, जो दो लोगों का नाम सामने आया, जिसमें मुख्य संदीप निवासी अर्जुनपुर, जिसके पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि सुनील पांडे निवासी गेवडार की मोटरसाइकिल में दोनों सवार होकर पार्सल को चुरा कर लेके गए थे एवं पार्सल को खोलकर उसमें से मोबाइल्स को आपस में बांट लिए थे जो कहीं बेचने वाले थे। इंदौर के राजवेंद्र थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। मामले की जानकारी मिलने पर डीसीपी समेत पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और वहीं पूरे मामले में बिल्डिंग में दो पक्ष के बीच में विवाद का मामला सामने आया है। बता दें कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए डीसीपी ने एसआईटी का गठन किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में एक एबीसीडी मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहां पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुंची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहां जाके जो मुख्यतः चीजें समझ में आई थी वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज हैं, कुछ उनको ये था कि सीसीटीवी और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहां पर पनप रहे हैं। इसी के चलते वहां पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहां छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य या आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस के साथ अपराधियों की समीक्षा को लेकर बुधवार को वर्चुअल बढ़ते हुए अपराध और नशाखोरी को लेकर बैठक आयोजित की थी, जिसमें अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में नशेड़ियों की धरपकड़ के साथ ही साथ
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं शराब पीने वालों की धरपकड़ करने के बाद अब पुलिस भू माफियाओं पर भी कार्रवाई करने की पूरी बात कर रही है। ये कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है। नशे के विरुद्ध कटिबद्ध हैं हम कार्रवाई करने के लिए, और इसी क्रम में प्रथमतः तो जो शराब पीकर के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जो अपना तो जीवन संकटापन्न करते ही हैं अपितु आम शहरी के लिए भी संकट उत्पन्न करते हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। करीब करीब 200-250 लोगों को इसमें उनके विरुद्ध चार्जशीट किया गया है। दिग्विजय सिंह से मुलाकात पर पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात भी हुई और खास बातचीत भी हुई, लेकिन समय आने पर खुलासा करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में जमकर गुटबाजी चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मेरी मां समान पार्टी है, कांग्रेस ने मेरे परिवार को ठेस पहुंचाई है, इसलिए समय आने पर फैसला करूंगा। अभी लगातार देख ही रहे हो, लगातार अपनी मन की बात ऊपर नेताओं से मैंने कही है। बड़े से बड़े नेताओं की जो माहौल अभी है उस माहौल के लेकर कि भैया अगला चुनाव जीतना है और सबको लेके चले, सबको जो गुटबाजी है गुटबाजी खत्म की जाए, ये मेरा मुद्दा रहा। जबलपुर में कम गुटबाजी नहीं है, जितनी बाजी मैं था इतने सालों में जबलपुर की गुटबाजी देख कहीं नहीं है। कुछ ही नेता है बेचारे, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता तो देवतुल्य है। कुछ नेता ही इस जबलपुर को नाश कर रहे हैं। खरगोन में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के 1 माह तक चलने वाले महा जनसंपर्क अभियान का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में और साथ ही साथ प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा की मौजूदगी में नवग्रह मेला मैदान में विशाल सभा के साथ समापन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की विशेष योजनाओं के बारे में लोगों को तो बताया ही गया और सारी जानकारी साझा की गई। यात्रा का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला और आदर्श स्कैम का घोटाला, यानी इन्होंने कोयला यानी जमीन के अंदर नहीं छोड़ा, जमीन पर नहीं छोड़ा और गगन में भी नहीं छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में हम काम कर रहे हैं तो याद रखना 9 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने जिले के थानों में खड़े जब्त वाहनों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके बाद एसजीओपी के मार्गदर्शन में सलीमनाबाद थाना प्रभारी ने टीम का गठन किया और गठित टीम ने वरिष्ठ कार्यालयों में प्रेसवार्ता कर धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत जब्त की गई 29 दोपहिया वाहनों की नीलामी के संबंध में जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक 29 वाहनों की नीलामी की शासकीय राशि 81,290 रूपये निर्धारित की गई है। खरीदार सिल्लू चौधरी की ओर से पहली बोली 82,000 रूपये की बोली गई और अंतिम बोली खरीदार इखलाक अहमद सिद्दीकी ने 1,18,201 रूपये की बोलने पर नीलामी की प्रक्रिया का समापन किया।
थानों में खड़े जब्त वाहनों की नीलामी की गई। बता दें कि टीम गठित कर ये पूरी नीलामी की गई है, जिसके तहत 80,000 रुपए से बोली की शुरुआत हुई और आखिरी बोली 1,18,201 रुपए पर जाकर खत्म हुई। वहीं पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कि एंटरप्राइजेस शराब कंपनी के श्रमिकों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सवारी वाहन में कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवारी वाहन में आदिवासी समाज के श्रमिक मजदूरी के लिए शराब फैक्ट्री में काम करने आते थे। वहीं शराब फैक्ट्री के ठेकेदार से मजदूर की बात को लेकर मजदूरों से विवाद हो गया था। शराब फैक्ट्री का ठेकेदार अपने दोस्त को बुला लिया। जैसे ही मजदूर फैक्ट्री से काम करके बाहर निकले, वैसे ही रास्ते में रोककर ठेकेदार के आदमी सवारी वाहन पर लाठी डंडे लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसके पूर्व ही हमने कार्रवाई कर ली थी। जेके कंपनी में दो ठेकेदारों के बीच में कुछ मामूली विवाद हुआ था, उसको लेकर बाहर जब एक व्यक्ति के साथ जो मजदूर आए थे वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो अन्य व्यक्ति के साथ ही वहां पर पहुंचे और उन्हें गाड़ी में तोड़फोड़ की, थोड़ी दहशत भी फैलाई, जिस पर से हमने कल फरियादी जो गाड़ी में बैठा था जिसको चोट लगी है वह गाड़ी मालिक है, उसकी तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। चूंकि वो किसी को पहचानते नहीं थे, अज्ञात में हमने दर्ज किया और उसमें वीडियो के आधार पर हमने एक की पहचान की है, चेतन जाट, जो सुलावड़ गांव का रहने वाला है, जो गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहा है, जिस पर से उसको हमने राउंड अप करके उसकी अरेस्टिंग की है व अन्य धारा एट्रोसिटी की भी उसमें हमने इजाफा किया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।